असल डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब माई नेम इज़ रन मलिक एंड आई एम हेयर टू टीच यू फिजिक्स क्लास नाइन्थ इन ग्रेविटी सो लेट्स एज यू नो द वर्ल्ड इज अ मैटर इन एवरी मैटर कम्पोज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स तो हर एटम पर या फिर हर पार्टिकल पर ग्रेविटी एक्ट कर रही है जो कि उस पार्टिकल को डाउनवर्ड पुल कर रही है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ अब अगर मैं कहूं कि एक ऑब्जेक्ट इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद हैं और हर पार्टिकल पर फोर्स एग्जर्ट कर रही है तो ये फोर्सेस जो है ये आपस में दूसरे के पैरल हैं और इनकी डायरेक्शन भी सेम है तो इन्हें आप कहेंगे लाइक पैरवल फोर्सेज तो अब अगर इन सब फोर्सेस को मैं एडअप करके इसका एक कंबाइंड इफेक्ट बना दूं विच इज कॉल्ड द रिजल्टेंट फोर्स तो वो रिजल्टेंट फोर्स जो है वो इस ऑब्जेक्ट के एक खास पॉइंट से डाउनवर्ड एक्ट करेगी तो उस पॉइंट को फिर हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दिज फोर्सेज इज अ सिंगल फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी

सेंटर ऑफ ग्रेविटी जैसे कि मेरे पास एक स्केल है और स्केल के एक एज को मैं प्लेस करता हूं पेविट पॉइंट पर तो ये स्केल टर्न हो जाएगा सो so, दैट कि यहां पर टर्निंग इफेक्ट क्रिएट हो गया अब मैं ये चाहता हूं कि मैं यहां पर टर्निंग इफेक्ट क्रिएट ना करूं तो मैं इस पेविट को मूव करूंगा और इस पिविट को मैं इस पोजिशन पर लेकर आ जाऊंगा कि यहां पर आकर इसका टर्निंग इफेक्ट जो है वो बैलेंस हो चुका है बहुत साइड्स पर तो ये स्केल फर्दर टर्न नहीं कर रहा सो so, वो पॉइंट जहां पर ये बैलेंस हो जाएगा तो फिर मैं उस पॉइंट को कहूंगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब ये केस था एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए तो हमारी डेली लाइफ में बहुत से ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि सिमेट्रिकल भी होते हैं और बहुत से ऐसे भी हैं जो अनसिमेट्रिकल होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लियर कर लें कि ये सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं जैसे कि सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी एक प्रॉपर शेप होती है प्रॉपर सिमेट्री होती है लाइक स्क्वायर सर्कल रेक्टेंगल ट्राइंगल और अ लॉन्ग स्केल तो ये सब के सब ये हैं सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट जिनकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती

इक्वलिब्रियम में है दैट मीन कि इक्वलिब्रियम को फाइंड आउट करने के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट जो है ये बहुत हेल्पफुल होता है अगर आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट मालूम हो तो आप इजीली एक बॉडी को इक्विलिब्रियम में प्लेस कर सकते हैं सो so अब हम डिस्कस करते हैं कुछ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स को जैसा कि अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास एक लॉन्ग स्केल है जस्ट लाइक दिस अब इस स्केल का मुझे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट फाइंड करना है सो वेरी सिंपल कि जहाँ पर ये स्केल बैलेंस हो रहा था तो हमने वो चेक कर लिया और हमने कहा कि ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है अब नो डाउट स्केल में हर जगह पार्टिकल्स मौजूद होंगे और हर जगह उन पार्टिकल्स पर डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रही होगी लेकिन वो सारी सारी डाउनवर्ड फोर्सेस जो हैं वो कंबाइन होकर स्केल की एक जगह से वो डाउनवर्ड फोर्स एड करेगी तो उस पॉइंट को फिर हम कहेंगे कि वो पॉइंट है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्लियर एंड दिस इज दिस पॉइंट इन दिस केस कि जहां पर तमाम वेट जो है वो बॉडी का डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो उसे हम कहेंगे कि ये पॉइंट है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस तरह से कुछ और शेप्स को डिस्कस करते हैं जैसा कि एक स्क्वेयर तो अगर हमारे पास एक स्क्वेयर हो तो उस स्क्वेयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट आप किस तरह से फाइंड करेंगे सिंपली आप इसके डायगनल्स को आपस में ज्वाइन कर दें जस्ट लाइक दिस इस तरह से मैंने डायगनल्स को ज्वाइन कर दिया तो वो पॉइंट जहां पर ये लाइंस एक दूसरे को कट कर रही होंगी वो पॉइंट कहलाएगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट Clear? इस तरह से हम बात करते हैं एक सर्कल की तो अब सर्कल में भी आप क्या करें सिंपली डायमीटर ड्रॉ करते हैं सो so लाइक like मैंने ये एक डायमीटर ड्रॉ कर दिया और ये मैंने दूसरा डायमीटर ड्रॉ कर दिया तो जहां पर ये कट कर रहा होगा उस पॉइंट को हम कहेंगे कि ये पॉइंट है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट क्लियर इस तरह से हम बात करते हैं रेक्टेंगल की सो सो रेक्टेंगल के केस में भी आपने डायगनल को आपस में ज्वाइन करना है जस्ट लाइक दिस जब डायगनल को आपस में आप ज्वाइन करेंगे तो वो पॉइंट जहां पर ये डायगनल एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो उस पॉइंट को हम कहेंगे कि ये है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट अब हम बात करते हैं एक ट्राइंगल की ट्राई एंगल केस में आपने ड्रॉ करना है एक मीडियन और आप जानते हैं कि मीडियन हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं तो जस्ट फॉर एग्जांपल कि मैंने यहां पर एक मीडियन ड्रॉ कर दिया एक मीडियन मैंने ये ड्रॉ कर दिया और एक मीडियन मैंने ये ड्रॉ कर दिया अब जहां पर ये तीनों मीडियन एक दूसरे को कट कर रहे होंगे उस पॉइंट को आप कहेंगे कि वो पॉइंट है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट अब हम बात करते हैं एक सिलेंडर की कि जैसा कि ये मैंने एक सिलेंडर बना दिया अब के, के केस में जैसा कि आप जानते हैं कि इसकी टॉप साइड और बॉटम साइड सर्कल की शेप में होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायमीटर ड्रॉ करके हम पॉइंट फाइंड कर लेंगे जहां पर डायमीटर्स एक दूसरे को कट कर रहे हैं so ये डायमीटर्स है और आपने वो कर कि पर ये को कट कर रहे हैं जो सेंटर पॉइंट होगा वो कहलाएगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट तो ये थे कुछ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स जिनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट फाइंड करना बहुत ही आसान है अब हम डिस्कस करते हैं एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि अनसिमेट्रिकल है सो द टॉपिक इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इरेगुलर शेप थिन लेमिना तो आपने एक इेगुलर शेप थिन लेमिना का आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट फाइंड करना है तो यहां पर हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसमें कुछ डिफरेंट साइड्स मौजूद हैं जस्ट लाइक दिस तो आपने करना यह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इनके कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड कर लेने हैं जैसा कि एक कॉर्नर पॉइंट है इसका ये और इस तरह से ये कॉर्नर पॉइंट है तो यहां पर यह कार्डबोर्ड है जो कि एक इेगुलर शेप का है तो हमने इनके कॉर्नर पॉइंट को फाइंड कर लिया और उनको वहां पर आपने छोटे से होल क्रिएट कर लिए अब आप एक नेल को वॉल में फिक्स करें और इस कार्डबोर्ड के होल्स को वन बाय वन उस नेल में लगा दें तो इस तरह से कार्डबोर्ड हैंग हो जाएगा अब आपने यूज करना है प्लम्ब लाइन एंड आई होप कि प्लम्ब लाइन आपने देखा होगा जो कि नॉर्मली मिस्त्री मजदूरों के पास होता है जिसके थ्रू वो ये चेक करते हैं कि जो वॉल है वो सीधी है या नहीं तो प्लम्ब लाइन के इस्तेमाल से आप ये जान सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट है या नहीं अब आपने करना यह है कि आपने उस प्लम लाइन को आपने हैंग करना है उस नेल के साथ तो लेट्स सपोज कि मैंने यहां पर नेल लगा दिया और यहां पर जब मैं प्लम लाइन को हैंग करूंगा तो कुछ प्लम लाइन इस तरह से शो होगा जो कि मैं यहां पर डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं जस्ट लाइक दिस तो अब जब मैंने ये यह लाइन यहां पर ड्रॉ कर ली अब मैं क्या करूंगा फर्दर उस कार्डबोर्ड को वहां से निकालूंगा और दोबारा से मैं दूसरा जो कॉर्नर होगा उसको मैं उसमें इंसर्ट कर दूंगा अब जब दूसरा इंसर्ट करने पर मेरे पास इस ऑब्जेक्ट की शेप जो है वो चेंज हो जाएगी और दोबारा से यहां पर फिर मैं प्लम लाइन को हैंग करूंगा तो फिर प्लम लाइन बिल्कुल स्ट्रेट कुछ इस तरह से आ जाएगा तो ये कब होगा आपने यहां पर इमेजिन ये करना है कि ये ऑब्जेक्ट जो है अब ये इस पॉइंट पर नेल इंसर्ट है तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो प्लम्प लाइन होगा वो स्ट्रेट डाउनवर्ड ही आएगा इस तरह से हम वन बाय वन इन सब जगहों पर हम प्लम्प लाइन को हैंग कर देंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से डॉटेड लाइंस के थ्रू मैं यहां पर शो कर रहा हूं कि आपके पास ये कुछ लाइंस ड्रॉ हो जाएंगी अब ये सब लाइंस एक पॉइंट से पास कर रही हैं तो ये सब लाइन जिन पॉइंट से पास कर रही हैं उस पॉइंट को फिर आप कहेंगे कि ये पॉइंट है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट तो इस तरह से कोई भी इरेगुलर शेप या शेप क्यों ना हो आप उसका भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा यूनिफॉर्म ट्राई एंगल इज ऑप्शन आर ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स मीडियंस बी ऑन इट्स वर्टेक्स सी ऑन मिडल पॉइंट ऑफ इट्स एक्सेस एंड डी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगनल सो so, एक यूनिफॉर्म ट्राइंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम किस तरह से फाइंड करते हैं सिंपली आप उस ट्राइंगल के मीडियंस ड्रॉ करते हैं और मीडियंस जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं उसे उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी सो ऑप्शन ए इज करेक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स मीडियंस नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ होलो सालेंडर इज द मिडिल पॉइंट ऑन इट्स ऑप्शन आर ए कर्व साइड बी एक्सेस सी बॉटम एंड डी ऑन अपर साइड तो एक सिलेंडर में हम एक मिडल पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब वो मिडिल पॉइंट वो किस पर हम ड्रॉ करते हैं बेसिकली अगर हम एक सिलेंडर की अपर और लोअर साइड की बात करें तो वो होती है सर्कुलर शेप में और सर्कुलर शेप में हम ड्रॉ करते हैं डायामीटर्स तो डायामीटर्स जहां पर एक दूसरे को कट कर रहे होते हैं वहां पर हमें एक पॉइंट मिल गया तो अगर हम अपर और लोअर दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो वो फिर बन जाता है उसका एकसेस। तो एकसेस का जो मिडिल पॉइंट होता है वो कहलाता है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सो द मिडिल पॉइंट ऑन इट्स एक्सेस ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट एमसीक्यू सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इरेगुलर शेप बॉडी कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन आर ए वेज बी मीटर रॉड सी प्लम्ब लाइन एंड डी स्क्रूगेज एक इरेगुलर शेप का आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस तरह से फाइंड करते हैं सो बाई यूजिंग प्लम्ब लाइन आप इजीली सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड कर सकते हैं किसी भी इरेगुलर शेप बॉडी का नाउ द नेक्स्ट एमसी क्यू सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ आ यूनिफॉर्म स्क्वेयर इज तो अगर एक यूनिफॉर्म स्क्वेयर है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम किस तरह से फाइन करते हैं सो ऑप्शन आर ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगनल बी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस एंड सी एट सेंटर एंड डी नन ऑफ दीज तो अगर एक यूनिफॉर्म स्क्वेयर हो तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम किस तरह से फाइंड करते हैं सिंपली हम उस के करते हैं डायगनल्स और जैसे ही हम डायगनल्स ड्रॉ करते हैं तो डायगनल्स जहां पर एक दूसरे को कट कर रहे होते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं ये है इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दैट बॉक्स ियर नेक्स्ट एमसीक्यू सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ स्फेट ऑप्शन ऑफ स्टी आउटसाइड ऑफेयर सी रेडियस ऑफ सफेयर एंड डी नन ऑफ दीज तो एक सफेयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट कहां पर होता है तो सफेर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट सेंटर में होता है सो वी कैन से ऑप्शन ए इज करेक्ट इन दिस केस ऑप्शन ए इज सेंटर ऑफ सफेयर क्लियर लेट्स इन studied सेंटर ऑफ gravity. जिसमें हमने कुछ मैथड भी डिस्कस किए कि जिसके थ्रू आप सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं सो सी इन द नेक्स्ट लेक्चर टिलेक केयर अल्लाह हाफिज